पटना कलर पेंटिंग स्वतंत्र रूप से दुनिया की पहली ऐसी कला शैली थी जिसने आम लोगों और उनकी जिंदगी को कैनवस पर जगह दी। वाटर कलर पर आधारित इस शैली की शुरुआत करीब 1760 के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में होती है। मुगल बादशाह अकबर के दरबार के दो कलाकारों नोहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। चित्रकारी का विषय दैनिक मजदूर, मछली बेचने वाले, टोकरी बनाने वाले पर आधारित होती है। चित्रकारी की इस शैली में देसी पौधे, छाल, फूलों और धातुओं से बने रंगों का इस्तेमाल होता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार सेवकराम, हुलास लाल, जयराम, शिव दयाल लाल आदि हैं। क्योंकि इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष है, इसलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। इस चित्र शैली में चित्र की आकृति को रेखांकित करने के लिए पेंसिल का उपयोग किए बिना ब्रश से सीधे चित्रकारी किया जाता है। इस तकनीकी को आमतौर पर कजली स्याही के नाम से जाना जाता है।